गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज से जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से IAS या PCS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर लेकर आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 19वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, जेम्स वेब मेगा टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के अंतरिक्ष से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन कहता है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्थलीय दूरबीन होगा। फ्रेंड्स, पहले कथन में दिया गया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे 2021 के अक्टूबर महीने में प्रक्षेपित किया जाएगा, उसके बारे में ये बताता है कि ये एक बार स्थापित हो जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दूरबीन होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक स्थलीय दूरबीन नहीं है, इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ये एक अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप है। पहला कथन गलत है, क्योंकि इसके बारे में दिया गया स्थलीय दूरबीन बताया गया है, ये गलत है। दूसरा कथन क्या कहता है, टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करेगा। ये बिल्कुल सही है, बिग बैंग के बाद जो भी गतिविधियां अंतरिक्ष में हुई हैं, उन सभी को समझने में जेम्स वेब मेगा टेलीस्कोप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इस चीज को जांचने का कार्य करेगा कि पृथ्वी के अलावा कोई और ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है या फिर नहीं है। इसी तरह से दूसरे अन्य अंतरिक्ष मामलों को भी समझने की कोशिश की जाएगी, और इन सभी के लिए इस टेलीस्कोप के द्वारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा, यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है, यह नासा का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह जानकारी भी बिल्कुल सही है, जेम्स वेब मेगा टेलीस्कोप कार्यक्रम नासा के द्वारा ही शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने डिस्कशन किया, उन सारी बातों को आप याद रखें। एक अन्य बात जिसे आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2021 को जब इसे लॉन्च किया जाएगा, तो फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में है, इसे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम इसके कुछ अन्य बातों को ध्यान दें, तो जब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, उस समय इसका नाम नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन 2002 में इस कार्यक्रम को एक नया नाम दिया गया, जिसे जेम्स वेब कहा गया। जेम्स वेब नासा के एक पूर्व प्रशासक हुआ करते थे। ये देखने में कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भारत ने हाजी गख खानों में खनन अधिकारों की सफलतापूर्वक बोली लगाई, जिसमें लौह अयस्क का बड़ा भंडार है। हाजी गख माइन किस देश में स्थित है? आपके दिए गए ऑप्शन में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को मैपिंग से भी जोड़कर देख सकते हैं, खनन से भी जोड़कर देख सकते हैं, भारत से निर्मित होने वाले ऐसे औद्योगिक संस्थानों से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये सारे GS पेपर 2 और 3 से संबंध रखते हैं। यदि हम बात करें हाजी गख खान का, तो ये एक लौह अयस्क भंडार से स्थल, भंडार से संबंधित स्थल है, जो कि अफगानिस्तान में है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान का मैप है। यहाँ पर काबुल के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी इलाके में ये हाजी गख दर्रा के पास स्थित है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है या फिर ये किस देश से संबंधित है। हालांकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली 6 भारतीय कंपनियों ने इसे 2011 में
इस क्षेत्र पर खनन करने का अधिकार प्राप्त किया था। अब इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर खनन संबंधी गतिविधियों को संचालित किया जाना शुरू किया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। दूसरा कथन कहता है प्लाज्मा रक्त से किसी व्यक्ति प्लाज्मा दान से किसी व्यक्ति में कमजोरी नहीं आती है। तीसरा कथन कहता है प्लाज्मा पानी लवण एंजाइम को वहन करता है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा अभी आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे, प्लाज्मा डोनेशन से संबंधित पहला बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया, असम की सरकार के द्वारा भी लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि प्लाज्मा से संबंधित क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर नहीं, तो आप ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है। आप देखें हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें से लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा का हुआ करता है, यानी कि यहाँ बताया गया है कि प्लाज्मा रक्त में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये बिल्कुल सही है, लगभग 55% के आसपास प्लाज्मा ही होती है। दूसरा कथन कहता है प्लाज्मा दान से किसी व्यक्ति को कमजोरी नहीं आती है। ये बिल्कुल सही है कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद व्यक्ति को कमजोरी नहीं आती है। हालांकि अभी जो नियम है उसके अनुसार जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन लोगों से ही प्लाज्मा डोनेशन के रूप में लिया जा रहा है, तो इसलिए आप जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है, आपको उम्मीद है कि नहीं ही होना चाहिए, तो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होता है। तीसरा कथन कहता है प्लाज्मा पानी लवण और एंजाइम को वहन करता है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा का मुख्य कार्य पानी लवण और एंजाइमों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो सही पूछा गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 3 के महत्वपूर्ण बीमारी या फिर विज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करें, जो लाल दिया गया है यहाँ पर वो एक ब्लड का सैंपल है, इसमें प्लाज्मा लगभग 55% के आसपास है, उसमें RBC उससे कम होता है और WBC एयर प्लेटलेट्स सबसे कम होता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक अन्य बात जिसे आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी क्लोटिंग के कारक, मतलब जो रक्त जमाने वाले कारक होते हैं वो क्लोटिंग के कारक, प्रोटीन एल्बुमिन फाइब्रोनोजन, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लाज्मा के में शामिल होते हैं, घुले हुए होते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखें, ये पूछा जा सकता है। ये प्लाज्मा डोनेट करने की जो कार्य किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले जब चीन में एक परीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से बच जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति बच जाता है उसके बाद धीरे धीरे उसके खुद के शरीर में जो कि पहले कोरोना वायरस से संक्रमित था इस प्रकार के एंटीबॉडी का कमी आना शुरू हो जाता है, मतलब अब उसके शरीर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके शरीर में जो कोरोना वायरस एंटर किया हुआ था, जो उसमें संक्रमण था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो ये एंटीबॉडी जो बना हुआ है वो भी कम होने लगता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर उसकी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी हैं तो उसके शरीर से प्लाज्मा ले लिया जाए और उसको किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो उस व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा है उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और उनके शरीर में गुणन के माध्यम से जो व्यक्ति में नया डाला गया है प्लाज्मा को उसके शरीर में खुद से बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण होगा और अंततः वो व्यक्ति भी इस संक्रमण से बच जाएगा। तो ये परीक्षण किया गया था सफलतापूर्वक, उसके बाद में लगभग सभी देश इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि WHO ने इस बात पर परमिशन दी है। पहली बार ऐसा नहीं है जब प्लाज्मा को किसी बीमारी के इलाज करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, इससे पहले भी 2014 में भी इसी प्रकार का कार्य किया गया था। हमारे डिस्कशन का
अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ कहता है सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। पहला कथन कहता है परिसीमन आयोग का गठन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। ये गलत है क्योंकि आपने परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ा होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 यानी कि 82 के अंतर्गत हर जनगणना के बाद संसद को यह अधिकार दिया गया है कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाए। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति परिसीमन आयोग के गठन करते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। परिसीमन आयोग का गठन संसद करेगा लेकिन उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। पहला कथन गलत है क्योंकि यहां बताया गया है कि परिसीमन आयोग को गठन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से की गई है, इसलिए यह गलत है। दूसरा कथन कहता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यक्ति को सरकार के परामर्श से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पोस्टल सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। यह बिल्कुल सही है। आप इस बात को जानते हैं कि जो लोग सर्विस में हैं, चाहे वो आर्मी में है, नेवी में है, या फिर जो लोग इलेक्शन की ड्यूटी करता है, उन लोगों को अपना मत देने के लिए पोस्टल सर्विस दी जाती है। मतलब वो अपने वोट को पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी एक बात चलने लग रही है कि जब बिहार का इलेक्शन होगा तो उसमें जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, जो लोग विकलांग लोग हैं, उन लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस का फायदा दिया जाए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पोस्टल सर्विस से संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो आप कहेंगे संविधान में नहीं है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसे दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। आपको पूछा गया था गलत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगर हम बात करें परिसीमन आयोग का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अनुच्छेद 82 के अंतर्गत हर जनगणना के बाद इसे गठित की जाती है, गठित करेगा संसद, लेकिन उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक अन्य बात जो पूछा जा सकता है वो ये, क्योंकि अभी कुछ समय पहले किसी किसी राज्य का, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, यहाँ के कुछ राज्यों का परिसीमन करने के लिए आयोग का गठन किया गया था, तो पूछा जा सकता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखेंगे, अगर स्टेटमेंट में ये दे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, या फिर ये दे कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो आप गलत कहेंगे। वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा गया है संविधान में उसके अंतर्गत यह है कि इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो वर्तमान में 31 हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर दूसरा कोई न्यायाधीश हो, इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। बाकी और दो सदस्य होते हैं, उसमें एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किसी को नियुक्ति की जाएगी, और जिस राज्य में परिसीमन किया जाना है उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होंगे, तो तीन लोग होते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे ही मिसलिनियस टॉपिक हैं, उसे भी आप देख लें। मुगरी मोटापुंग आद्र भूमि, आपको ये पूछा जाए ये कहाँ है, तो आप कहेंगे ये असम में है। असम में आप डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क को जानते हैं, तो वहीं पर उसके ठीक नीचे बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यदि आप इसको जूम करेंगे तो आप इसे देखेंगे, ये जो मुगरी बिल यहाँ पे लिखा हुआ है यही वो आद्र भूमि है, तो इसे आप ध्यान रखें। अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि बाढ़ के पानी से ये पूरी तरह से टप गया है, ये पूरी तरह से ढक चुका है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है। ये जो नाम रखा गया है मुगरी मोटापुंग आद्र भूमि, ये एक प्रकार की मछली होती है जो उत्तर भारत में लगभग हर जगह पाई जाती है, तो इसलिए इसी मछली के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का अगला ऐसा ही टॉपिक है वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये क्या होता है। फ्रेंड्स, यदि कोई ऐसी बीमारी है जो माँ को है, और यदि माँ गर्भवती है और उस गर्भवती माँ के बच्चे को, जो कि अभी गर्भ में है, उसको भी
वह बीमारी हो जाती है जो उसकी माँ को है, तो उस बीमारी उस प्रकार के ट्रांसमिशन को, उस प्रकार के इन्फेक्शन को, संक्रमण को आप हम कहेंगे वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये कोई भी तरह का बीमारी हो सकता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला हो सकता है या फिर वायरस के द्वारा होने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसे आप ध्यान रखें, आपको यही पूछा जाएगा कि वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसी बीमारी जो माँ को है और वो भ्रूण के माध्यम से उसके बच्चे को हो जाती है, बच्चा जन्म लेता है तो वो उस बीमारी को लेकर होता है, तो इस प्रकार के बीमारियों को वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। अगला, गोधन न्याय योजना। फ्रेंड्स, यूपीएससी स्टेट स्पेसिफिक कार्यक्रमों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो प्रकृति और गाय इत्यादि पे काफ़ी ध्यान देती है, इनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, तो पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। गोधन न्याय योजना जो है, सबसे पहले आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे शुरू किया है। क्या है इस कार्यक्रम के अंतर्गत? जो सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से किसानों से जो गाय के गोबर होते हैं उनको खरीदा जाएगा, और उस गाय के गोबर को प्रति 2 रुपया किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाएगा, उसके बाद उसे कंपोस्ट खाद में बदला जाएगा और उस खाद को 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। तो ये वो कार्यक्रम है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो किसान है उन लोगों को ऐसा खाद मिलेगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दूसरा, कितना भी इस प्रकार के कंपोस्ट खाद को खेतों में डाल लो तो उससे नुकसान नहीं होता है, और तीसरा ये भी, तो पर्यावरण को तो फायदा हो रहा है, और तीसरा क्या होगा कि किसानों को आय का स्रोत मिल जाएगा। जो किसान है उनको आय का स्रोत मिल जाएगा, वो गाय के गोबर को इकट्ठा करेंगे फिर बेचेंगे तो उनको एक आय का स्रोत मिल रहा है। तो ये कार्यक्रम है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।